यहाँ के सांसद महोदय ने आज तक अपने हॉस्पिटल के बाहर ये लिख के नहीं लगाया कि यहाँ पे कितने बेड आरक्षित है यहाँ के लोगों के लिए। सरकार आम जनमानस के लिए व्यवस्था पैदा करने के लिए बनाई जाती है, सरकार आम जनमानस में राज करने के लिए नहीं बनाई जाती है, पूंजीपतियों को उनके कोष भरने के लिए नहीं बनाई। ये दोहरी जो मानसिकता की बात ये सरकार कर रही है, ये आप प्रधान नहीं, BDC नहीं, जिला पंचायत नहीं, आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे उन योजनाओं को? ये जो किसान है ना, ये राम का राज बनाने के लिए तो लग रहे हैं आपको, देख नहीं रहे? ये सारे राम है, अरे राम का राज इसे बनाएंगे। बार बार आपकी मीटिंग में बोल रहे थे कि आपका जो लैंड यूज चेंज होना था, अरे टाउन प्लानर को यह पता होना चाहिए कि उसको कितनी जमीन किसानों को 5% 10% के प्लॉट के रूप में वापस करनी है। मैं इस वक्त बहलोलपुर गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर किसान परिषद के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान परिषद के लोग खुद उनकी जुबानी सुनते हैं कि वो क्या क्या मुद्दे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान बढ़ाएंगे रावण के राज, राम का राज। ये जो किसान है ना, ये राम का राज बनाने के लिए तो लग रहे हैं आपको, देख नहीं रहे? ये सारे राम है, अरे राम का राज इसे बनाएंगे। योगी जी समझ ले, अभी भी देर नहीं, वो तो समझ नहीं रहे ना। समझ नहीं रहे, एक चीज बताओ, जो पार्टी का जन्म दो विधान नहीं, दो संविधान नहीं, वो कश्मीर हमारा है जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हुए। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पार्टी का जिसका जन्म केवल ना दो विधान होंगे ना दो संविधान होंगे, ये चिल्ला चिल्ला के इस देश में आज 370 हटा के इन्होंने कश्मीर से नोएडा पे लगा दिए। ये बोलते हैं जो बाहर से आदमी आया हुआ है उसको अपने घरों में रहने का हक नहीं है। जो हमारे जमीन है, दो विधान कैसे हो सकते हैं? दो भाई सगे भाई एक ही लैंड एक्विजिशन में एक ही टाइम पे दोनों की जमीन गई, एक ही आदमी को उसको यूज करने के लिए भी दिया गया, तो उसके लिए दो लाभ कैसे हो सकते हैं? ये दोहरी जो मानसिकता की बात ये सरकार कर रही है। ये जनप्रतिनिधि बार बार कहते हैं हमसे कि आप जो है, आपके जो मुद्दे हैं वो बहुत पुराने हैं। मैंने कहा मुद्दे पुराने नहीं है, आपको समझने में बहुत देर लगी है। 4.5 साल में इन्होंने, इस सरकार ने, इन जनप्रतिनिधियों ने ऐसा हाल कर दिया है। और जो ऋतु महेश्वरी जो मैडम आई है, ये केवल पूंजीवाद को स्थापित करा, 30 लाख मीटर जमीन ये बेच के खा गई है और किसानों को इसने 1 मीटर जमीन देने का काम नहीं किया। तो हम ये जो इनके दो विधान है, हम नोएडा में नहीं लगने देंगे। ये शायद अपने सिद्धांतों को भूल सकते हैं, लेकिन हम वो आम जनमानस है जो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रवाद के साथ रहा है। तो जो हमें सिखाया गया, जो हमने देखा है, ये अपना कहीं भी भटक जाए, ये सरकार कहीं भी भटक जाए, ये पूंजीपतियों की गोद में बैठ जाए, किसानों का गला घोटने लगे, लेकिन जहां सरकार की हट होती है तो किसान की हट हमें आती है। तो किसान आपको लग रहा है कि पूंजीपतियों के सब कुछ मतलब शिफ्ट हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, जब हमारा हक मार के 30 लाख मीटर जमीन मैडम पूंजीपतियों को दे सकती है, कॉर्पोरेट्स को दे सकती है, तो क्या उसको नहीं पता था? बार बार आपकी मीटिंग में बोल रहे थे कि आपका जो लैंड यूज चेंज होना था, अरे टाउन प्लानर को यह पता होना चाहिए कि उसको कितनी जमीन किसानों को 5% 10% के प्लॉट के रूप में वापस करनी है, कितनी जमीन में गांव के खेल के कूद के हमारे संस्थान बनेंगे, कितनी जमीन वो दे सकता है, कितनी जमीन वो बेच सकता है। जिस प्राधिकरण की CEO महोदया को और ACO महोदय को यही नहीं पता है कि कितनी जमीन उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसके एसेट्स क्या है, क्या उनको जमीन बेचने के लिए यहाँ पे बैठाया गया है? क्या ऋतु महेश्वरी के जो हस्बैंड UP सीडा के अध्यक्ष है, क्या वो पार्टी लाते हैं और मैडम जमीन बेचती है उनको? मैडम अगर आपको जमीन बेचती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी देनदारी क्या है। लेनदारी से कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। बार बार हमने ये बोला, मैडम सरकार समझ रही है अपने आप को, मैडम सरकार समझती है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो नोएडा मेट्रो बनवा रही है, नोएडा एयरपोर्ट बनवा रही है, वो 350 एकड़ में अपना उड़न खटोले बनवा के गोल्फ कोर्स बनवा रही है। पहले किसान का डॉक्यूमेंटेड ड्यू दो, उसके बाद कोई बात करना। ये बेकार की बातें कि आप सरकार में क्या करोगे, आप सरकार गिराओगे बनाओगे, वो हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार को, मतदाता के अधिकार को मतदाता के अधिकार पे रहने दो। जब मतदाता का अधिकार आएगा तो क्या सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? सरकार आम जनमानस के लिए व्यवस्था पैदा करने के लिए बनाई जाती है, सरकार आम जनमानस में राज करने के लिए नहीं बनाई जाती, और पूंजीपतियों को उनके कोष भरने के लिए नहीं बनाई जाती। तो जो करेंगे किसान करेगा, जो हमारे संगठन का आदेश होगा, गुरुजी का आदेश होगा, बिल्कुल करेंगे जैसा बोलेंगे। देखिए आज आप देखिए कि नोएडा में कुत्तों के लिए जमीन दे दी है, लेकिन किसानों के जो मकान बने हुए हैं उनको छोड़ के राजी नहीं है। और नोएडा अथॉरिटी मानती है कि किसानों के साथ नाजायज है, लेकिन उसको प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रही है। तो हमारी यही मांग है कि जो किसानों की जो मांग है, भाई किसानों का 64% है, 10% प्लॉट है जो उनका करार है हमारा, और जो हमारे मकान बने हुए हैं उन पे अपना नाम दर्ज है, उनको हटाए। नोएडा थोड़ी समझती है कि किसानों के साथ ना जाए, कह रहे 45 साल की समस्या है, एक दिन में समस्या समझ होती। अरे तुम जब से तुम तो कम से कम सोल्व करो हमारी समस्या, लेकिन हमारी समस्या को उनके कोई नहीं है। कह रहे एक एक करके आओ, केस टू केस करके आओ। केस टू केस का मतलब क्या हुआ? पैसे लेके आओ, पैसे चाहिए हमें। हम कह रहे गाँव का एक सर्वे करो, उसमें जो मकान बने हुए हैं उनको आप छोड़ दो, इसमें समस्या क्या है? इसमें ये तुम्हें पता है समस्या है, तो एक गाँव का सर्वे करो, उसको आबादी को छोड़ दो। कुत्तों के लिए जमीन दे सकते हैं, लेकिन किसानों को जमीन नहीं दे सकते जो उनके मकान बने हुए हैं। आए दिन मकानों को तोड़ने का काम कर रहा है, कई मकान तोड़े हैं अथॉरिटी ने, मैडम CEO जब से आई है, जब से इसने कई मकान को तोड़ा है, ध्वस्त किया है।
तो हमारी यही मांग है कि हमारे गांव का सीमांकन करके हमारी आबादी को छोड़ दो, और जो हमारा करार है 64% 10% का उन्हें आप छोड़ दो, और गांव में जो मकान बनाते हैं पहले से अब किसान अपने मर्जी से मकान बनाता है, ये सेक्टर का मकान तो है नहीं, अपनी मर्जी से उसको जो बनाने दो, लेकिन नहीं कह रहे नक्शा पास करो, या हमारे पास कुछ लिखित में कुछ पेपर ही नहीं है तो नक्शा पास किस पर करोगे आप? ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या क्या मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, हम नक्शा नीति का विरोध कर रहे हैं, नक्शा नीति का इसलिए विरोध कर रहे हैं, आप ये बताइए इस नोएडा प्राधिकरण ने अपने अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व योजना जो आई थी, जहां मकानों के नंबर मिलने थे, जहां मूल आबादी है उस पर नंबर मिलने थे, उस अपने ये लागू नहीं किया। जब हमारे नाम पेपर ही नहीं होंगे, कुछ होगा ही नहीं, तो हम दिखाएंगे क्या नक्शा, किसके पास ऊपर पास कराएंगे? दूसरा, इन्होंने 64% 10% का आदेश 2011 में आया था, 2011 से 21 आ गई, 10 वर्षों में उसे पूरा ही नहीं किया, केवल कुछ किसानों को 64% देकर छोड़ दिया है, और उसका जो है 10% दिया नहीं। आखिर कहीं देखा है कानून में, कहीं लिखा है कि कोर्ट का आधा आदेश इम्प्लीमेंट हो? पूरा क्यों नहीं हुआ? आप गांव में जाएं, रोजगार की व्यवस्था देखें, क्या रोजगार की व्यवस्था? आज कंपनी में जाते हैं, कहते लोकल हो, चले जाइए यहाँ से। लोकल का मतलब एक तरीके से ठप्पा लगा दिया है कि आप लोग जो है गुंडे बदमाश की तरह हो। आप हॉस्पिटलों में जाए, एक कोटा था, यहाँ के सांसद महोदय ने आज तक अपने हॉस्पिटल के बाहर ये लिख के नहीं लगाया कि यहाँ पे कितने बेड आरक्षित है यहाँ के लोगों के लिए। जब एक सांसद खुद अपने 5-5 हॉस्पिटल इस जिले में होने के बाद नहीं लगा रहा, तो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? आज तक क्या नोएडा प्राधिकरण ने अपने गेट के बाहर ये बोर्ड लगाया है कि कितने किसानों की उसने जमीन खरीदी, कितने लोगों को उसने रोजगार दिया, और किस गाँव का रोजगार रह गया है आए दिन ठेकेदारी करने के लिए? लेकिन यूपी की सरकार कह रही कि हमारे उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखो, अच्छा ये चल रहा है कि जो आप इनके खिलाफ आवाज उठाए, आपके खिलाफ CBI लगाई जाएगी। आपने आवाज उठाई, आपने पीछे देखा, हमने आंदोलन की बात करी, तो इन्होंने जबरदस्ती हमें घर से उठा उठा कर जेल में बंद कर दिया। इसकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है इस सरकार की कि पुलिस के दम पर केवल गुंडागर्दी, बाकी कुछ नहीं है। आप डराइए, धमकाइए, CBI का, ED का गलत उपयोग करना, ये सरकार की उपलब्धि है। पूरा प्रशासन, पूरा प्राधिकरण पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी मांगों को ये मानते हैं कि आपकी जायज मांगे हैं, लेकिन ये कहते हैं हम उठा के शासन को दे देंगे। हम कहते हैं जमीन हमने प्राधिकरण को दिया है, हमारी जब समस्या है तो आप अपनी बोर्ड मीटिंग पास करो और उसका कार्यालय आदेश दो। सारे काम इसी बोर्ड मीटिंग के थ्रू करते हैं, बोर्ड मीटिंग पास करते हैं, कार्यालय जारी करते हैं, काम शुरू हो जाता है। हम भी ये कहते हैं हमारी मांगों को भी यही करो आप, लेकिन ये हम शासन को भेज देंगे। पहले भी हमने अपना मांग पत्र दिया है, इन्होंने उठा के अपना लेटर लगा के शासन को भेज दिया है, तो कोई अभी आप देखेंगे कोरोना काल में जब सभी लोग अपने घरों में थे, इसी रीतु महेश्वरी ने और इसी सरकार के जो अधिकारी और नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने रातों रात यहां से किसानों के खिलाफ एक आदेश पारित कराया लखनऊ से, और वो चंद हफ्तों में पास होकर आ गया कि आप जो है एक साल से अधिक जो आपको समय नहीं मिलेगा, आप प्लॉट को तत्काल बनाइए। इन जो जमीन खरीदी 2011 से लेकर 1976 तक के प्लॉट जो हैं अभी तक बाकी हैं लोगों के, प्लॉट नहीं मिले, लेकिन बनाने के लिए केवल आपको 2 साल मिलेंगे। अरे जब आप हमें 50 साल होने को जा रहे हैं, प्लॉट नहीं दे पा रहे आप हमें, और हमसे कह रहे हैं केवल 2 साल में हम बनाकर खड़ा कर दें। 1976 में जिन लोगों की जमीन गई थी 1 रुपये 2 रुपये मीटर, आज उन्हें अगर किसान कोटे स्कीम के तहत प्लॉट दिए जा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आप 27,000-28,000 रुपये मीटर के पैसे दीजिए, आप हमें मुआवजा दे 2 मीटर का और हम प्लॉट खरीदें आपसे 28,000 रुपये मीटर के। ये कहाँ का न्याय है? आप हमें वही प्लॉट 2,000-2 रुपये मीटर दीजिए ना। गलती हम लोगों की नहीं है कि क्षेत्र के प्लॉट रोके, क्योंकि सीट पर अधिकारी हम नहीं थे, अधिकारी आप थे, आपकी सरकारें थी। भाजपा आज पहली बार इस उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, अब से पहले माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ के रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन क्या किया उन्होंने? उन्होंने इस नोएडा में, नोएडा ऐसा तो जिला रहा, किसानों के हित में काम किया है, किसानों के हित में काम तो किया। ये पहला ऐसा जिला है देश में कि जहाँ पे ग्राम पंचायत चुनाव खत्म है, जिसे कहते हो आप प्राइमरी, वो प्राइमरी खत्म कर दी। कहाँ है यहाँ आप प्रधान नहीं, BDC नहीं, जिला पंचायत नहीं, आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे उन योजनाओं को? आज यहाँ दर दर भटकते डोलते हैं गाँव के लोग, कहीं पेंशन के लिए, कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। आखिर कहाँ, पहले ग्राम प्रधान के पास जाते थे, मोहर लगाता, वेरीफाई करता था, वो सब खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ जो है नोएडा को पूंजीपतियों के लिए सौंप दिया है, और चंद दलाल अधिकारी आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ऐसा संस्थान है नोएडा कि जिसकी नाक से, आंख से, मुंह से भ्रष्टाचार टपकता है। ऐसी जब टिप्पणियां हों और उसके बाद भी कुंभकर्णी नींद सो रहे हो माननीय योगी जी, तो बड़े शर्म की बात है, धिक्कार है ऐसे राजा पर जो अपनी प्रजा का ख्याल न ले।
ऐसे विधायक और सांसदों पर जिन्हें आज 49 दिन हो गए एक बार जनता के बीच में नहीं पहुंचे। आखिर क्या केवल एक रईस बाप की औलाद यहाँ जो है अपने पिताजी के राजनीतिक कैरियर के दम पर आकर मुख्यमंत्री वो बन जाता है विधायक, एक हॉस्पिटल का मालिक यहाँ पर सांसद बन जाता है, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात हो आए तो कुछ नहीं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अरे वंशवाद नहीं है तो क्या है ये सब? आप आम आदमी को दीजिए ना, जब आप एक कहते हो कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आइए भाजपा इस बार दे यहाँ के किसी किसान के बेटे को टिकट और वो किसान का बेटा जीत कर आए यहाँ से, जिताइए ना किसी किसान के बेटे को, और फिर कहिए कि आप किसान का बेटा होकर तूने अपने लोगों के लिए काम नहीं करा। अरे जब आप पूंजीपतियों को टिकट देते हो, करोड़ों करोड़ों में टिकट बेचते हो, कहाँ से खरीदेगा गरीब आदमी टिकट? कैसे लड़कर आएगा गरीब आदमी? और जो करोड़ों रुपए पार्टियों को फंड और चंदा देता है, चुनाव में जो है शराबें परोसी जाती हैं, तो कहाँ से? कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार का जनक जो है चुनाव है, अगर उस चुनाव को सही तरीके से टिकट दिए जाए, सही तरीके से काम करा जाए, तो हो सकता है आम जनता की जो है सुनी जाए, कहीं कहीं बात रखी जाए। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना ये मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया जा रहा है और जो मांगे हैं किसानों की वो जायज़ है। अपने सहयोगी राहुल के साथ बहरौल से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।